हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी, बनवाल किचन में आपका स्वागत है। मशरूम की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी, पर आप एक बार इस तरीके से मसाला मशरूम बनाकर देखिए। बहुत ही इजी और डिफरेंट रेसिपी है। आप बार बार इसी तरीके से मशरूम मसाला बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सरसों तेल डालूंगी। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लौंग डाला है। साथ ही अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। फिर हम यहाँ पे डालेंगे 4 से 5 करी पत्ता। सारी चीज़ों को हम 10 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू लिया था, इसे मैंने एक बार मिक्सर में घुमा लिया था। काजू को भी हम सारे मसालों के साथ 30 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज को हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका एक गोल्डन कलर ना आ जाए या प्याज जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से पक गया है। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और हम पेस्ट के साथ सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर ना हो जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड काश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, फिर साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो सारे मसालों को डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे ताकि कोई भी मसाला जले नहीं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन, यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है। बेसन से काफ़ी अच्छा बाइंडिंग होता है सब्ज़ी में और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो हम सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो सारी चीज़ें पक गई हैं, तो अब हम इसमें 1 टीस्पून पानी भी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कर्ड का यूज़ किया है। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम टू हाई कर देंगे ताकि दही अच्छे से सारी चीज़ों के साथ पक जाए। तो आप देख सकते हो दही का कितना अच्छा टेक्सचर आने लग गया है। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को भी हम सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे कम कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। मैंने यहाँ पे टमाटर को छोटा छोटा कट करके ऐड करा है, पर आप चाहो तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बनाकर भी ऐड कर सकते हो। तो हमने सारे मसाले तो ऐड कर दिए, बट नमक तो ऐड करा ही नहीं। तो अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम मिक्स करके पकाएंगे। तो हम एक लीड या कोई भी ढक्कन लेंगे और उसे कवर कर देंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं, मैं इसे एक बार चेक कर ले रही हूँ। टमाटर और सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप लंबे शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 कप फ्रोजन मटर लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है मैंने। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे एक लीड से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम। मशरूम को मैंने यहाँ पे इस शेप में कट कर लिया था, इसे अच्छे से मैंने पहले धो लिया था। फिर हम इसमें मशरूम भी ऐड करेंगे और मशरूम को सारे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक लीड लेंगे और इसे फिर से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। आप यहाँ पे चाहो तो अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने पानी ऐड नहीं करा है क्योंकि मशरूम खुद पानी छोड़ता है। और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार मशरूम मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी, लच्छा पराठा, नान, राइस या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है, उस पर हम इस मशरूम मसाला को सर्व कर रहे हैं। इतने मशरूम मसाला में आप 3 लोगों को ईजिली सर्व कर सकते हो। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।